किरण मेघानी किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पान डेजर्ट बनाना सिखा रही हूँ जो फटाफट बन जाएगा और बहुत टेस्टी डेजर्ट है। आप इसको बनाकर 1 वीक तक फ्रिज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो वेनिला आइसक्रीम। ये ब्रेड के पीसेस हैं, इनको मैंने डीप फ्राई करके ठंडा कर लिया है। और ये मैंने फ्रूट्स लिए हैं, एप्पल, बनाना, अंगूर और अनार भी डाला है इसके अंदर। और आधा कटोरी अनार गार्निशिंग के लिए लिया है, और ये स्ट्रॉबेरी गार्निशिंग के लिए ली है। और ये पान मसाला है, पान मसाले की जगह आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, पर पान फ्लेवर दे रहे हैं तो ये ज़रूरी है। इसकी रेसिपी मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी। और ये है कच्चा दूध और 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश। और एक हम बाउल लेंगे जिसके अंदर हम पुडिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम दूध के अंदर 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जिस बाउल में आपको पुडिंग बनानी है उसमें भी अच्छे से नीचे क्रश लगा दीजिए। वैसे ये पुडिंग आप कांच के बाउल में बनाएंगे तो आपको बाहर से भी अच्छे से दिखेगी, बट मैं इसको स्टोर करूँगी 2-3 दिन के लिए, तो मैं इसको इस बाउल में बना रही हूँ ताकि ये फ्रीजर में इसका टूटने का डर नहीं रहता है। सबसे पहले नीचे मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश फैला दिया है, उसके बाद मैं ब्रेड के पीसेस लगाऊंगी। बस ये चीज़ का ध्यान देना है आपको कि ब्रेड के पीसेस तेल में तलने हैं, घी में नहीं तलने हैं। और अगर आप घी में तलेंगे तो ये पुडिंग में जाते ही सेट हो जाएंगे, तो आपकी पुडिंग टाइट हो जाएगी। इसलिए इसको बिल्कुल तेल में तलना है और ठंडा करके यूज़ करना है। ब्रेड के पीसेस लग गए हैं, इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी वाला दूध डाल रही हूँ। इसके ऊपर कटे हुए फ्रूट्स। बहुत जल्दी बनने वाला डेजर्ट है ये, कभी भी आपके घर में गेस्ट आए तो आप इसको बना सकते हैं, और 1 से 2 घंटे में ये सेट भी हो जाता है। फ्रूट की लेयर्स लगा दी है मैंने, और फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मेल्टेड वेनिला आइसक्रीम। दो से तीन चम्मच मेल्टेड वेनिला आइसक्रीम डालनी है आपको। इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर तो मार्केट में भी मिल जाता है, नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी टेस्टी पुडिंग है। वापस ब्रेड के पीसेस लगाऊंगी। गर्मियों का हल्का हल्का मौसम शुरू हो गया है तो ये पुडिंग खाने में भी अच्छी लगती है, और ठंडी ठंडी काफ़ी क्रिस्पी भी रहती है और सबको पसंद भी आती है। तो इस पुडिंग को आप ज़रूर बनाएं। कैसे भी ब्रेड के पीसेस लगा सकते हैं, बस इसमें ब्रेड का क्रंचीपन रहना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसलिए जो अपन ऊपर से दूध डाल रहे हैं वो हल्का हल्का डालेंगे। स्ट्रॉबेरी वाला दूध ताकि ब्रेड के अंदर भी स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ जाए। अब मैं थोड़ा सा अनार डाल रही हूँ बीच वाली लेयर में। वेनिला आइसक्रीम, आप चाहें तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है। लास्ट में ऐसे ही मैं रफली इसमें ब्रेड के पीसेस डाल दूंगी, क्योंकि 2 लेयर्स अपनी सेट हो चुकी हैं। सारे फ्रूट्स डाल दूंगी। मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी वाला दूध नहीं डाला है 3rd लेयर में, क्योंकि मैं अब ये दूध जो है फ्रूट्स के ऊपर डालूंगी, तो इससे क्या होगा कि फ्रूट्स के अंदर भी इसका टेस्ट आ जाएगा।
सारी मेल्टेड आइसक्रीम से इसको कवर कर देंगे। वेनिला आइसक्रीम को आपको बनाने से पहले फ्रीजर से 1 घंटा पहले निकाल के रखना है इस पुडिंग में, ताकि वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। मैंने सारी वेनिला आइसक्रीम से इसको कवर कर दिया है। हल्का सा पान मसाला डाल दूंगी, करीब 2 से 3 चम्मच। पूरे में अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है, थोड़ा सा साइडों से अनार, स्ट्रॉबेरी के पीसेस, पुडिंग को मैंने गार्निश कर लिया है। कुछ ब्रेड के पीसेस मैंने बचा के रखे थे, उनको इस तरह से लगा रही हूं। ये पुडिंग आपकी रेडी है, इसको 3 घंटे फ्रिज करना है, उसके बाद इसको सर्व करना है। आपकी पुडिंग रेडी है 3 घंटे फ्रिज करने के बाद। इसको मैं हल्का सा कट कर दूंगी और नाइफ से निकाल के सर्विंग प्लेट में डाल दूंगी। आपको ये पुडिंग पसंद आई है तो आप जरूर बनाकर ट्राई करें। इसके लिए मैं टिप्स देना चाहूंगी, बस एक चीज का ध्यान देना है आपको, जब भी इसको सर्व करें तो फ्रिज से आधा घंटा पहले बाहर निकालें, फिर इसको सर्व करें। और ब्रेड को एकदम क्रिस्पी तलना है, ताकि ये अंदर जाके सॉफ्ट ना हो जाए। और कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रेड सॉफ्ट हो रही, तो 2-3 पीसेस ब्रेड के ऊपर सर्विंग में आप डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एवरीबॉडी।